रही है। अच्छा जी, आज जो है हमें एक सवाल डिस्कस करना है, आप लोगों की स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और ये क्वेश्चन जो है ये मज़ाहे लिमिटेड के नाम से क्वेश्चन है, आईकेप के पास पेपर्स का क्वेश्चन है। और इसमें जो है वो मेनली आपकी मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का जो चैप्टर है उसकी जो है वो टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, मैं इस सवाल को सॉल्व करूँगा एज्यूमिंग कि आप सबके पास जो है वो बेसिक जो मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की नॉलेज है वो मौजूद है, और मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और ओवरहेड्स के बारे में आप कुछ ना कुछ जो है वो जानते हो। ठीक है, सवाल को डिस्कस करना और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और लेट्स स्टार्ट। सवाल कहता है मज़ाहिर पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ कंज्यूमर प्रोडक्ट जी। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 30 जून 2010 इज़ एज अंडर। 30 जून 2010 वाले साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। रॉ मटेरियल पर यूनिट, एक यूनिट में 5 किलो रॉ मटेरियल लगता है, 1 किलो 60 रुपीज़ का आता है। एक्चुअल लेबर टाइम पर यूनिट सेम एज़ बजटेड, एक यूनिट पे 4 घंटे लगते हैं, 1 घंटे के 75 रुपये देता हूँ। एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट सेम एज़ बजटेड 3 आवर्स। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹15 पर मशीन आवर। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ₹6 मिलियन। एनुअल सेल्स 19,000। एनुअल प्रोडक्शन 18,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 70% फिक्स्ड इज़ ₹10 मिलियन। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है ये 30 जून 2010 वाले साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है सेलिंग फीचर्स ऑफ द बिजनेस प्लान फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 आर एज अंडर, यानी कि अगले साल की इन्फॉर्मेशन देता है। बोलता है सेल्स इज़ बजटेड एट 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1100 पर यूनिट। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज़ बजटेड टू इंक्रीज़ बाई 4%। रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगले साल 4% से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर हम सवाल की रिक्वायरमेंट देखते हैं तो बोलता है प्रिपेयर अ बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2011 अंडर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। रिकनसाइल द प्रॉफिट्स वर्क आउट अंडर द टू मैथड्स 20 मार्क्स। और हम जो है वो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले आप सारा बेसिक जानते हो। मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिफरेंस जानते हो। हम एक काम करते हैं, हम एक वर्किंग करते हैं जिसमें हम लोग जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट कितने का होगा। देखो, हमारे पास दो रेलिवेंट ईयर्स हैं, 30 जून 2010 और 30 जून 2011। ये याद रखना, 2010 की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, 2011 की भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11 का बनाना है, तो आखिर 10 की इंफॉर्मेशन दी क्यों है? साल 2010 की इंफॉर्मेशन इसलिए दी हुई है क्योंकि साल 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो साल 2011 का ओपनिंग स्टॉक होगा। आई रिपीट, साल 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो साल 2011 का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो अगर कोई 2011 का क्लोजिंग स्टॉक, 2010 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2011 का ओपनिंग स्टॉक होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यूज दी हुई हैं। फर्दर मोर सवाल आगे अगर हम एक बार स्किम थ्रू कर लें, ये रॉ मटेरियल से रेलेवेंट क्लॉज है। फिर लिखा हुआ है ए क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मटेरियल प्रोक्योर्ड एंड रिड्यूस द रॉ मटेरियल यूजेज बाई 5%। इस्तेमाल 5% से कम हो जाएगा। पेमेंट विल बी मेड टू द कंसल्टेंट एट ₹2 पर kg। और उस कंसल्टेंट को हर 2 रुपये मैं उसके क्या कहते हैं मटेरियल को इंस्पेक्ट करने के पे करूंगा। द मैनेजमेंट हैज़ निगोशिएटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाई वेजेस वुड बी इंक्रीज बाई 10%। वेजेस 10% से बढ़ाई जाएंगी। और फिर कुछ इसी तरह की बातें लिखी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि हमारे पास साल 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना होगा। ठीक है, और 2010 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2011 का क्या होना चाहिए? 2010 का क्लोजिंग स्टॉक 2011 का ओपनिंग स्टॉक होना चाहिए। आप इस लाइन को पढ़ो जो लास्ट में, द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी ऑफ मेंटेनिंग क्लोजिंग स्टॉक एट 5% ऑफ सेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड स्टॉक आउट्स। क्लोजिंग स्टॉक विल नाउ बी मेंटेन्ड एट 10% ऑफ सेल्स। The closing stocks are valued on first in first out basis। बोलते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ये है कि कंपनी का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल्स का 5% होता है,
लेकिन स्टॉक आउट अवॉइड करने के लिए इस साल से कंपनी ने एक नई पॉलिसी बनाई है कि कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो सेल्स का 10% होगा। क्लोजिंग स्टॉक को फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फीफो बेसिस पर वैल्यू किया जाता है, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब यह है कि जो चीज़ पहले बनेगी वो पहले बिकेगी। तो कंपनी की अभी तक जो पॉलिसी थी वो ये थी कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल्स का 5% होता था, लेकिन अब नई पॉलिसी क्या है कि जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो सेल्स का कितना परसेंट होगा, 10% होगा। ठीक है, आप ज़रा इस पॉइंट नंबर 7 पर फोकस करें। और पिछले साल तक पॉलिसी थी कि क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 5% होगा, इस साल की पॉलिसी है कि क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 10% होगा। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं, अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करते हैं तो देखिए पिछले साल के आपके यूनिट सोल्ड थे 19,000, ठीक है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2010 इक्वल्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2011। 2010 के साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2011 के साल का ओपनिंग स्टॉक होगा, और 2010 के साल का क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 19,000 का यानी कि पिछले साल की सेल्स का 5% होगा। सवाल ने ये मेंशन किया हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो पिछले साल तक सेल्स का 5% होता है। आई रिपीट, सवाल में मेंशन हुआ था कि क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल तक क्या था कि सेल्स का, किसी भी साल की सेल्स का 5% होता था। तो साल 2010 की सेल्स 19,000 और क्लोजिंग स्टॉक साल 2010 का 5% 19,000 का, यानी कि 950। अच्छा, 2011 का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा, कोई बता सकता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर 2011 कितना होगा। देखो अब पॉलिसी क्या हो गई है, अब पॉलिसी ये हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल्स का 10% होगा। अब पॉलिसी ये हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो सेल्स का 10% होगा। अब पॉलिसी हो गई है कि क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 10% होगा। बुलेट नंबर 1 में देखो 2011 की जो सेल्स है वो 21,000 है, और 21,000 का अगर हम 10% लेते हैं तो 21,000 का 10% बन जाता है 2100। ठीक है, यानी कि 2011 वाले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 2100 यूनिट्स होगा। ये हम यूनिट्स में बात कर रहे हैं अभी। और 2011 की सेल्स भी हमें पता है, 2011 की सेल्स है 21,000। और फिर हमें ये भी पता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल्स टू यूनिट्स सोल्ड। तो इस हिसाब से ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 2011 के ओपनिंग स्टॉक 950, प्रोडक्शन हमें मालूम नहीं है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो 2100, यूनिट्स सोल्ड जो है वो 21,000, और इस हिसाब से अगर हम प्रोडक्शन निकालते हैं तो हमारी प्रोडक्शन कितनी आएगी, हमारी प्रोडक्शन कितनी आएगी, हमारी प्रोडक्शन आ जाएगी 21,000 प्लस 2100 माइनस 950। एग्री, 21,000, 21,000 प्लस 2100, क्योंकि ये माइनस 2100 सीधे हाथ पे जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस 950 यानी कि 22,150, 22,000 और 150 यूनिट्स की जो है हमारी प्रोडक्शन होगी। ठीक है, हमारी जो प्रोडक्शन होगी वो 22,150 यूनिट्स की प्रोडक्शन होगी। ये मैंने अपने यूनिट्स की वर्किंग करी है, ये मैंने अपने यूनिट्स की वर्किंग करी है, ये मैंने अपनी पहली वर्किंग करी है। आई होप कि ये वर्किंग सबको क्लियर है। ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप इस वर्किंग को अभी भूल जाएँ और अगली वर्किंग में भरें। बहरहाल पहली वर्किंग मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर कर और इन एक्सेल की शीट्स में सारी चीज़ें लिंक कर कर आप लोगों के सामने ये बता दिया कि हमारी 2011 के साल की प्रोडक्शन क्या होगी, 2011 की सेल्स 21,000 दी हुई थी, 2011 का क्लोजिंग स्टॉक सेल्स का 10% और 2011 का ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक यानी कि 19,000 यानी कि पिछले साल की सेल्स का 5%। ये हमारी पहली वर्किंग हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी दूसरी वर्किंग पर। हम देखते हैं कि यार अगर हमारे पास 950 चीज़ें ओपनिंग स्टॉक में आ रही हैं तो ये पिछले साल बनी होंगी, तो हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के 1 यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं साल 2010 में भी और साल 2011 में भी, और ये काम हम कर लेते हैं एज़ पर मार्जिनल कॉस्टिंग। मुझे ये बात बताओ कि मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री के 1 यूनिट में कौन कौन सी कॉस्ट शामिल होती है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सही कह रहा हूँ, ठीक है।
आई रिपीट, मैं एक यूनिट की कॉस्ट निकाल रहा हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक यूनिट की प्रोडक्शन की कॉस्ट जो होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल किया जाता है। तो हम मटेरियल की बात करते हैं, पहले 2010 की वर्किंग करते हैं। 2010 के साल की इंफॉर्मेशन दी हुई है। 2010 में 5 किलो मटेरियल यूज़ होता था और 1 किलो 60 रुपीज़ का आता था। अगर 5 किलो मटेरियल यूज़ होता था और 1 किलो 60 का आता था तो 5 किलो इंटू 60 इज़ 300। अच्छा, फिर वापस से लेबर की बात करते हैं। 2010 की लेबर की कॉस्ट कैसे आएगी? 2010 में एक यूनिट पर 4 घंटे लेबर काम करता था और 1 घंटे के वो 75 लेता था। आई रिपीट, 2010 में लेबर एक यूनिट पर 4 घंटे काम करता था और 1 घंटे के 75 रुपये लेता था। तो 4 × 75 कितना बनेगा? 4 × 75 300 बनेगा। ठीक है, 4 × 75 जो है वो 300 बनेगा। मुझे बस 1 मिनट देना, मैं ज़रा अपना व्हाट्सएप जो है वो म्यूट कर लूँ क्योंकि उसकी वजह से बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। एनीवेज, ठीक है भाई, मटेरियल की कॉस्ट कैसे आई? 5 किलो 60 रुपीज़ वाला। लेबर की कॉस्ट कैसे आई? 4 घंटे 75 रुपये वाले। इसके बाद वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हैं? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में लिखा हुआ है 15 रुपये पर मशीन आवर और एक्चुअल मशीन आवर्स पर यूनिट 3 घंटे हैं। तो 3 × 15, 3 × 15 यानी कि 45। प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में कन्फर्म कर दो। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं, जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग में हम एक यूनिट की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं। जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करते हैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग करते हुए हम वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं। बस हमारे पास मटेरियल जो है वो 5 × 60, लेबर जो है वो 4 × 75 और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 3 × 15 यानी कि 645 रुपये बने। अच्छा, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो कॉस्ट ऑफ वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम जो एक यूनिट होता है इन्वेंट्री का उसमें उसमें फिक्स्ड और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों शामिल करते हैं। बात को समझ रहे हो? जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट को भी शामिल करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट को शामिल करते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस है। प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस आप सबको मालूम होना चाहिए, ये डिफरेंस आप सबको पता होना चाहिए कि जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो हम यूनिट की जो वैल्यू होती है, जब हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करते हैं तो उसमें हम लोग जो है वो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को भी OAR या ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से शामिल करते हैं। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में 2010 की एक यूनिट की वैल्यू लगाता तो वो 645 तो होती, 645 तो होती, लेकिन 645 क्या है? वेरिएबल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है। इसमें हमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल करनी है, ठीक है ना? इसमें हमें फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी शामिल करनी है। जब हम फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल करेंगे तो वो कैसे शामिल करेंगे? पहले OAR निकालेंगे। OAR क्या होता है? OAR होता है ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आएगा? फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 6 मिलियन है। देखो, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आपके 6 मिलियन है। 2010 के साल के फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 6 मिलियन है। ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट निकालने के लिए हमें इन 6 मिलियन को या हमारे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स को बेसिस से डिवाइड करना होगा। अच्छा, सवाल जो है उसमें हमें बेसिस दी हुई है। क्या बेसिस दी हुई है? पॉइंट नंबर 6 पढ़ो, पॉइंट नंबर 6 पढ़ो और मुझे बताओ क्या बेसिस दी हुई है। पॉइंट नंबर 6 अगर आप पढ़ते हो तो लिखा हुआ है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये तो एक बात हो गई कि 2010 से 2011 में इन्फ्लेशन की वजह से फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8% ज़्यादा होंगे, लेकिन जो मेजर बात लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। यानी कि हमारा जो बेसिस है ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने का वो मशीन आवर्स है। तो जब हम OAR निकालेंगे तो 6 मिलियन डिवाइडेड बाई 2010 में आप 18,000 यूनिट्स बना रहे थे और हर यूनिट पर कितने मशीन आवर्स लग रहे थे? 3 मशीन आवर्स लग रहे थे। ठीक है, आई रिपीट, 6 मिलियन आपका 2010 वाले साल का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा है।
6 मिलियन आपका 2010 के साल का फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा है और इसको आप डिवाइड कर रहे हो 18,000 × 3 से, 18,000 2010 वाले साल की एनुअल प्रोडक्शन है, हर यूनिट 3 घंटे में बनता है, तो आपने ये 111.11 पर मशीन आर का रेट निकाला, पर मशीन आर। अच्छा, जब एब्जॉर्ब करोगे तो एक यूनिट में 3 घंटे लगते हैं, तो आपके पास 33333.33 बनेगा, यानी कि ये आपकी जो दो वैल्यूज़ हैं, 645 आपकी है एक यूनिट की वैल्यू एज़ पर मार्जिनल कॉस्टिंग, और 978.3333 आपकी वैल्यू है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से एक यूनिट की। ठीक है, कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों, आपके जो रेलेवेंट ग्रुप्स हैं उस पर मैं जो है इसके सॉल्यूशंस आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ तक आप लोग मुझे जो है वो कंफर्मेशन ज़रूर दे दो कि बातें समझ में आ रही हैं, चीज़ें क्लियर हैं या नहीं है, ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, किसी की अगर शुरू की कुछ बातें मिस हुई हैं तो वो रिकॉर्डिंग में देख सकता है। मैं ये आपको एक्सेल की फाइल जो है ना वो सेंड भी कर दूंगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं 2011 पर। देखो, हम अगर क्लॉजेस पढ़ें तो बुलेट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 4%। पहली बात, अ क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट विल बी हायर टू चेक द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इट विल हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मटीरियल प्रोक्योर्ड एंड रिड्यूस द यूजेज बाई 5%, पेमेंट विल बी मेड टू द कंसल्टेंट एट ₹2 पर kg। यानी कि हम 2011 की जब कॉस्ट निकालेंगे ना, तो मुझे मटीरियल की अगर कॉस्ट निकालनी हो 2010 में एक यूनिट में 5 किलो मटीरियल यूज़ होता था, साल 2010 में एक यूनिट में 5 किलो मटीरियल यूज़ होता था, अगर आप बुलेट नंबर 2 और बुलेट नंबर 3 को अकाउंट फॉर करते हो, अगर आप लोग बुलेट नंबर 2 और बुलेट नंबर 3 को रीड करते हो, तो बुलेट 3 में लिखा हुआ है कि आप एक क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर करोगे जिसकी वजह से आपका यूजेज 5% से कम हो जाएगा, लिहाजा अब 5 किलो मटीरियल नहीं लगेगा, आप 5 किलो का 95% ले लो। अब 5 किलो मटेरियल नहीं लगेगा, आप 5 किलो का 95% ले लो। अब 5 किलो मटेरियल नहीं लगेगा, आप 5 किलो का 95% ले लो, क्योंकि 5% से कम हो जाएगा। लाइकवाइज जो रेट है वो अभी 1 किलो 60 का आ रहा था, लेकिन क्योंकि रेट जो है वो 4% से बढ़ेंगे, बुलेट नंबर 2 में लिखा हुआ है, तो जो 60 है उसको 1.04 से मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो उसमें जो 4% की जो कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई रिपीट, मैंने 5 को 95% से मल्टीप्लाई किया, 5 को 95% से मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये है कि आपके पास जो मटेरियल का यूजेज है वो 5% से कम हो रहा है, पहले 5 किलो हो रहा था, अब 5 × 95% होगा, और जो आपका 60 का रेट था उसको मैंने जो है वो 1.04 से मल्टीप्लाई किया है, 1.04 से मल्टीप्लाई करने की लॉजिक ये है कि 4% से रेट बढ़ गया है, तो मटेरियल की कॉस्ट 296.4 हो गई। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 296.4 हो गई। अच्छा, उसके बाद फिर आप आ जाओ लेबर पर। अगर आप लेबर की बात करते हो अच्छा, एक और चीज़ है ना कि क्वालिटी कंट्रोल कंसल्टेंट हायर किया है, कंसल्टेंट को भी तो पैसे जा रहे हैं, कंसल्टेंट को कितने पैसे जा रहे हैं, जितने किलो वो वेरीफाई करता है उस पर 2 रुपये मिलते हैं। तो अगर 5 × 95% वो वेरीफाई करता है तो उस पर उसको 2 रुपये मिलते हैं। ये भी एक वेरिएबल प्रोडक्शन की कॉस्ट है, तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से यूनिट की कॉस्ट में शामिल होगी। 5 × 95% से क्वांटिटी आई और हर क्वांटिटी पर इसको 2 रुपये मिलते हैं, तो 9.5 जो है इसको क्या कहते हैं हिसाब किताब मिल रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। और क्या होगा, अब लेबर पर आते हैं। लेबर के बारे में लिखा हुआ है, द मैनेजमेंट हैज़ नेगोशिएटेड अ न्यू एग्रीमेंट विद लेबर यूनियन वेयर बाय वेजेस वुड बी इंक्रीज बाय 10%। मुझे बताओ, अगर वेजेस 10% से इंक्रीज होगी तो पिछले आर्ली रेट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा? आई रिपीट, अगर वेजेस 10% से इंक्रीज होगी तो पिछले आर्ली रेट को किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा? अगर 10% से वेजेस इंक्रीज होती हैं, क्या 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे? प्यारे बच्चों, थोड़ा सा चैट बॉक्स पे एक्टिव रहा करो ताकि मुझे भी समझ आ रहा हो कि आप लोग सुन रहे हो। आगे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन प्लान टू इंप्रूव द एफिशिएंसी।
कुछ और मेजर्स भी लिए हैं एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। 30% ऑफ द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। 30% ऑफ द सेविंग्स इन लेबर कॉस्ट वुड बी पेड एज बोनस। देखो एक तो ये है कि रेट इंक्रीज होगा 10% से। दूसरा उसने कहा है कि कुछ मेजर्स मैंने लिए ताकि एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए। जितना लेबर खर्चा मेरा बचाएगा उसका 30% मैं बोनस दे दूंगा। अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300,000 पर एनम टू इम्प्रूव दी वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ दी वर्कर्स। वर्कर्स को क्या कहते हैं ट्रेनिंग देने के लिए कंसल्टेंट हायर कर रहा हूँ जिसको मैं 3 लाख रुपये एक साल के दूंगा। अब ये जब 3 लाख रुपये एक साल के दोगे तो ये तो एक फिक्स कॉस्ट हो गई। ऑन अकाउंट ऑफ द अबव मेजर्स इट इज़ एस्टिमेटेड दैट लेबर टाइम विल बी रिड्यूस्ड बाई 15%। यानी कि जब आप लेबर की ट्रेनिंग करोगे तो वो 15% कम टाइम लेंगे। तो अगर मैं लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा ना, अगर मैं लेबर की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, मैं अभी बोनस वाले क्लॉज को छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं अभी बोनस वाले क्लॉज को छोड़ देता हूँ। बोनस वाले क्लॉज को छोड़कर अगर मैं लेबर की वर्किंग करूँ, ठीक है ना, अगर मैं लेबर की जो है वो वर्किंग करूँ, अच्छा जी देखो, अगर हम लेबर की वर्किंग करेंगे, लेबर पिछले साल एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लेता था, अब वो ट्रेनिंग की वजह से 15% कम टाइम लेगा। तो 4 × 85%, 15% कम करना है तो आप 4 को 85% से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अगर आपको 4 घंटों को 15% से कम करना है तो आप 4 को 85% से मल्टीप्लाई करोगे। आई रिपीट, आप 4 को 85% से मल्टीप्लाई करोगे। जब आप 4 को 85% से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम 15% कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, जो नया वाला रेट होगा वो 75 नहीं होगा, बल्कि आप 75 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे। दूसरी चीज़ जो रेट होगा वो 75 नहीं होगा, आप 75 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे। रीज़न मीन के सवाल ने ये कहा था कि वेजेस 10% से बढ़ेंगी और टाइम जो है वो एफिशिएंसी की वजह से 15% से कम होगा। तो जो लेबर की हमारी कॉस्ट बन जाएगी वो 4 × 85% × 75% × 75 × 1.1 यानी कि 280.5। अच्छा, इसके साथ साथ एक और लेबर से मैंने वादा किया है कि आप लोग जितने मेरे पैसे बचाओगे मैं उसका 30% आपको एज अ बोनस दे दूंगा। तो अब ये मेरे पैसे बचा कितने रहे? देखो, एफिशिएंसी की वजह से ये 4 घंटे नहीं ले रहे बल्कि 15% कम टाइम ले रहे हैं। एफिशिएंसी की वजह से ये एफिशिएंट हो गए हैं, तो ये 4 घंटे में काम नहीं कर रहे बल्कि 15% कम टाइम ले रहे हैं। तो 4 का 15% यानी कि ये मेरे 0.6 आवर्स बचा रहे हैं। ये जो 0.6 आवर्स बचा रहे हैं, अगर ये नहीं बचाते तो मुझे इनको 75 × 1.1 के हिसाब से पेमेंट करनी होती। तो ये जितना भी अमाउंट बनता है इसका 30% भी मैं अपने वर्कर्स को या लेबर को ही दे रहा हूँ एज अ बोनस। तो मेरा तो खर्चा हो गया ना। देखो, 4 × 15% ये वो टाइम बचा रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई 75 × 1.1 ताकि अमाउंट आ जाए सामने। अब ये जितनी अमाउंट बन रही है इसका 30% मैं मजदूरों को ही दे देता हूँ एज अ बोनस। यानी कि ये जो बचत होती है इसका 70% मज़ा मैं लेता हूँ, 70% बचत जो है वो मैं इन्जॉय करता हूँ, लेकिन जो पैसे बचते हैं उसका 30% लेबर को दे देता हूँ। ये उनसे वादा हुआ है। तो इसका मतलब मैं लेबर को कितने पैसे दे दूंगा? मैं लेबर को एज अ बोनस दे दूंगा 4 × 15% × 75 × 1.1, इससे अमाउंट बना, × 30%। प्यारे बच्चों, आपने कॉपी नहीं करना, आपने जो है वो फोकस से बातों को सुनना है ताकि फिर आप बाद में जो है इस शीट को और रिकॉर्डिंग को देखकर आराम से चीज़ें कवर कर लो। तो इसका मतलब ये मैं बोनस दूंगा और ये भी एक वेरिएबल कॉस्ट है। अच्छा, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स पर आते हैं। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स विल इंक्रीज बाय 5%। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स 5% से बढ़ जाएंगे। तो अभी 3 × 15 यानी कि 45 थे, इसको अगर मुझे 5% से बढ़ाना है तो मैं 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा। करेंटली 3 घंटे के 15 रुपये के हिसाब से 45 बनते हैं। मैं 3 × 15 यानी कि 45 को 1.05 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मेरी नई वाली वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है जो मैं मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज़ करूंगा, जो कि 648.5 है। अच्छा, जब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करूंगा तो मुझे फिक्स कॉस्ट को भी शामिल करना है और मुझे अगले साल का ओआर निकालना होगा। ओआर कैसे आएगा? पिछले साल की फिक्स कॉस्ट थी 6 मिलियन। सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 6 में,
फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ 8% ऑन अकाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से पिछले साल मेरे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स 8% से भर जाएंगे। तो 6 मिलियन को 1.08 से मल्टीप्लाई किया। साथ में पॉइंट नंबर 4 के सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, अ ट्रेनिंग कंसल्टेंट विल बी हायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 300,000 पर एनम टू इम्प्रूव दी वर्किंग कैपेबिलिटी ऑफ दी वर्कर्स। ये भी मेरी फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्योंकि वो ट्रेनर जो है वो मैंने अपने जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए हायर किया है, और ये फिक्स कॉस्ट इसलिए क्योंकि साल के 3 लाख पक्के दे रहे हैं। अच्छा, इस पे इन्फ्लेशन इसलिए अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि ये कॉस्ट ही इस साल अराइज हुई है। पिछले साल की कॉस्ट 8% से बढ़ी है और ये तो इस साल आई है कॉस्ट, डिवाइडेड बाई इस साल के जो आपके मशीन आवर्स होंगे। अच्छा, मशीन आवर्स कैसे आएंगे? इस साल 22,150 यूनिट्स की प्रोडक्शन, इस साल जो है वो 22,150 यूनिट्स की प्रोडक्शन है, और हर यूनिट जो है वो बनने में 3 मशीन आवर्स लेता है। तो आपका ओ आर जो है वो 102.0316 आ रहा है। मैं वापस से बता दूँ, 6 मिलियन को आपने 8% से बढ़ाया, उसमें 3 लाख कंसल्टेंट के ऐड किए, ये ओवरहेड्स आ गए। मशीन आवर्स कैसे आए? प्रोडक्शन के यूनिट्स जो कि 22,150 है मल्टीप्लाइड बाई 3, हर यूनिट 3 घंटे लेता है, तो ये पर आर रेट आ गया। अब क्योंकि एक यूनिट 3 घंटे में बनता है तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और फाइनली आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इन्वेंट्री के एक यूनिट की वैल्यू 954.59 बनती है। 954.59 बनती है प्यारे बच्चों, जितने बच्चों ने अभी तक जो है वो मुझे कोई व्हाट्सएप, मुझे कोई जूम पर मैसेज नहीं किया, वो मैसेज करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है वो सुन रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है, ये आप लोगों को मालूम है। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सेशन के बाद मिल जाएगी। ये मैंने अपनी जो है वो वर्किंग करी है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री की, कि हम जब मार्जिनल कॉस्टिंग या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे तो इन्वेंट्री के एक यूनिट की क्या वैल्यू होगी। आई होप कि आप सब जो है वो सुन रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग से अगर हम P&L बनाएं तो सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आता है। सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा? बुलेट नंबर वन ये कहता है सेल्स इज बजटेड एट 21,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1,100 पर यूनिट। तो 21,000 यूनिट्स आप बेच रहे हो और एक यूनिट आप 1,100 का बेच रहे हो, तो 21,000 इंटू 1,100, 21,000 आपके यूनिट्स सोल्ड हैं और 1,100 आपका पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो सेल्स रेवेन्यू आपका 23.1 समथिंग आ जाता है। मैं इसको इन कॉमास डाल दूं, ठीक है। अच्छा, फिर लेस करते हैं हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना है? ओपनिंग स्टॉक जो है उसके 950 यूनिट्स है, और ये यूनिट्स पिछले साल बनाए गए थे, तो पिछले साल की वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया पर यूनिट। फिर इस साल प्रोडक्शन हुई, इस साल आपने जो प्रोडक्शन करी है 22,150 यूनिट्स की करी है, और इस साल अगर एक यूनिट प्रोड्यूस होता है तो उसकी कॉस्ट 648.5 है। इस साल अगर कोई यूनिट प्रोड्यूस होता है तो उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 648.5 है। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। अब देखो, आपने आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं वो 2100 यूनिट्स हैं, और ये जो 2100 यूनिट्स हैं ना, इनकी जो वैल्यू होगी ना, इन 2100 यूनिट्स की जो वैल्यू होगी ना, वो वैल्यू आपके पास इस साल की बुनियाद पर होगी। क्यों? क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो वो इस साल मैन्युफैक्चर किया होगा। कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करती है, फीफो मेथड यूज करती है। तो अब ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन लेस क्लोजिंग स्टॉक से यह आंसर आया। अच्छा, उसके बाद वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। क्या कंपनी की कोई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है? हाँ, कंपनी की जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी हुई है उसके बारे में अगर आप पिछले साल की इन्फॉर्मेशन देखते हो तो लिखा हुआ था सेलिंग एंड एडमिन जो ओवरहेड्स होंगे 70% फिक्स्ड होंगे, टोटल 10 मिलियन होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 10 मिलियन का 30%, यानी कि 3 मिलियन रुपये कंपनी की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी। आई रिपीट, 3 मिलियन रुपये कंपनी की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट थी। 3 मिलियन कंपनी की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट उस साल थी जिस साल कंपनी ने 19,000 यूनिट्स बेचे थे। तो आपने 19,000 से डिवाइड किया, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आई, और इस साल कंपनी अगर 21,000 यूनिट्स बेच रही है तो मैं 21,000 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई रिपीट, 3 मिलियन रुपये की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पिछले साल की थी जब आपने 19,000 यूनिट्स बेचे थे। तो जब आप 19,000 से डिवाइड करोगे, एक यूनिट की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आएगी, और फिर आप उसको 21,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साल की वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट आ जाएगी, और ये बन रही है 331567 8 9, ठीक है भाई।
अच्छा जी, अगर हम सेल्स रेवेन्यू में से अपनी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो जो अमाउंट बच जाता है उसको हम कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कंट्रीब्यूशन में से लेस करी जाती है फिक्स कॉस्ट, और इस साल की जो फिक्स कॉस्ट है वो है कितनी? इस साल की जो फिक्स कॉस्ट है वो है आपकी 6 मिलियन इंटू 1.08, ठीक है, और 3 लाख। तो अल्लाह भला करे आपके पास जो है वो क्या आ रहा है? लॉस आ रहा है आपके पास, लॉस आ रहा है 610964 का, ठीक है, 610964। अच्छा, एक मिनट, ये तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई ना, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट हो गई। एक और कॉस्ट भी तो है, फिक्स नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट में सेलिंग की भी तो है आपके पास, और वो कितनी होगी? 7 मिलियन। 10 मिलियन का 70% यानी कि 7 मिलियन बनता है ना, सही कह रहा हूँ ना? सब सन्नाटे में हो या सुन रहे हो? तो अब क्या हुआ, अब आपका जो प्रॉफिट या लॉस आता है, अब आपका जो प्रॉफिट या लॉस आता है इस साल का, वो बन जाता है 7610964। 7610964 जो है वो आपका एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग लॉस बन रहा है। जिन लोगों ने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की चीज़ें रिवाइज करी हुई होंगी, लेक्चर देखा हुआ होगा, उनको ये बात समझ में आ रही होगी। अगर हम अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पर आते हैं जल्दी से, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करते हैं, तो उसमें आपके पास अगेन सेल्स रेवेन्यू आएगा जो कि सेम होगा। फिर आप लिखोगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं वो 950 यूनिट है, और एक यूनिट जो है उसकी वैल्यू 978.33 है, क्योंकि ये यूनिट्स आपने पिछले साल मैन्युफैक्चर करे थे, ठीक है। फिर आपके पास जो है वो प्रोडक्शन के यूनिट्स आएंगे। प्रोडक्शन आपने इस साल करी है 22,150 यूनिट्स की, और एक यूनिट की जो वैल्यू है वो 954.5948 है। मैं सारी चीज़ें लिंक कर रहा हूँ ताकि जब मैं आपको एक्सेल की शीट दूँ तो उसमें चीज़ें लिंक हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो ऑफ फिनिश गुड्स जो होगा उसके 21,000 यूनिट्स हैं, उसके 21,000 यूनिट्स हैं, और उसकी वैल्यू भी इसी साल के वैल्यू पर बेस कर रही होगी, विच इज़ 954.5948, ठीक है ना? ऐसा है, बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, सही है ना? सारी वैल्यूज लिंक्ड है ऊपर से। तो हमारे पास ये टू जो भी अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना, ये जो भी अमाउंट आ रहा है इन्वेंट्री की मूवमेंट से, ये जब हम माइनस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 3030957, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट तकरीबन तकरीबन 3030957 का आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से प्रोडक्शन की तो कॉस्ट ऊपर माइनस कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ से माइनस क्या करनी होगी, बताओ जल्दी जल्दी से बताओ। ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। क्या फिक्स सेलिंग की कॉस्ट माइनस होगी? ठीक है, और क्या माइनस होगा? वेरिएबल सेलिंग की कॉस्ट माइनस होगी। सेलिंग के सारे एक्सपेंसेस बाद में माइनस होते हैं ना, सेलिंग के वेरिएबल वाले खर्चे एंड सेलिंग के फिक्स्ड वाले खर्चे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में यहाँ पर बाद में माइनस होते हैं। तो मैं डायरेक्टली जो है मैं इसको कैलकुलेट तो कर चुका हूँ मार्जिनल कॉस्टिंग में, सेलिंग के वेरिएबल वाले खर्चे, सेलिंग के फिक्स्ड वाले खर्चे। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा होगा, जो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा होगा वो कितना होगा, अल्लाह भला करे, इस वाली कॉस्टिंग में 7284832 का लॉस आ रहा है। सारी चीज़ें मैं लिंक कर रहा हूँ ताकि जब आपको शीट भेजूँ तो आप लोगों के सामने ये लिंक्ड हो। अब दोनों का प्रॉफिट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कुछ और आ रहा है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, क्या चीज़ बनानी होती है, क्या चीज़ बनानी होती है बताओ? इसके बाद हमें रिकन्सिलिएशन बनानी होती है। अच्छा, जैसे ही क्लास खत्म होगी ये लेक्चर आपको मिलेगा, आपने दोबारा से देखना ज़रूर है। रिकन्सिलिएशन मैं बनाता हूँ ताकि आपकी चीज़ें पक्की हो जाएं। रिकन्सिलिएशन में अगर हम प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करें, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ गया, इसमें से हम लेस करते हैं फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक लेस होंगे, वह आएंगे इस तरह से कि इसका और इसका आप डिफरेंस ले लो, ठीक है ना। और ऐड क्या होगा, ऐड होगा आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक जो है उसके लिए अगेन आपने मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के जो स्टॉक की वैल्यूज है उसका डिफरेंस लेना है। और ये देखें, आप प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग पर आ गए। जिन बच्चों ने जो दो लेक्चर्स मैंने क्लास से पहले देखने को दिए थे, देखे होंगे, उनको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लास ओवर होने पर मैं आप लोगों को ये एक्सेल की शीट फ़ौरन से आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज रहा हूँ, और इसका आईकेप का आंसर और ये क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, और इस वीडियो को भी अपलोड कर रहा हूँ।
आज हमने यहाँ पर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक अच्छा सवाल देखा है। हाँ, मैंने थोड़ा सा तेज़ी में इसलिए सॉल्व किया है ताकि जब आप वापस से इस लेक्चर को देखने बैठे हो तो आपको बोरियत ना हो, वरना बहुत स्लो हो जाती क्लास। कितने बच्चों को सारी चीज़ें समझ में आई? कितने कितने बच्चे ऐसे हो जिनको 60% से ज़्यादा चीज़ें समझ में आ गई हैं? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है ये मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग फ्रेश 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 इसको ज़रा देखें, इसको ज़रा दोबारा करें, ठीक है, और अच्छे से इसको समझें, इसको ग्रिप में लेकर आएं। और इस टॉपिक पे मैं ये जो है वो हमारा जो रेलेवेंट पोर्टल है उस पर भी अपलोड करवा रहा हूँ, और आप लोगों के जो रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स है उसमें भी इसको ऐड कर रहा हूँ। किसी ने कोई बात करनी है तो मुझे बता सकता है, 1 से 2 मिनट में मजीद मौजूद हूँ, और उसके बाद फिर मैं व्हाट्सएप पर मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ से मैं साइन आउट करूँगा ताकि मैं ये सेशन जो है वो हाथ के हाथ जो है अपलोड भी कर दूँ और आप लोगों को फाइल्स भी सेंड कर दूँ। काइंडली 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 जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था या जिन्होंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का बेसिक लेक्चर नहीं देखा, वो इसको देख कर और हाथ के हाथ इस पूरे सवाल को अच्छे से आज ही वाइंड अप करिएगा ताकि ये टॉपिक आपकी ग्रिप में आ जाए। अब मैं जो है वो आप लोगों से व्हाट्सएप पे बात करूंगा, चैट को मैं इस जूम की मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।